हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैंटम गुरुजी चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। आज हम बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व किए गए हैं। तो यहाँ पर देखो, आप अगर ये पीसीएम ग्रुप का है, ये पीसीबी ग्रुप का है। टोटल क्वेश्चन की अगर बात करो फिजिक्स में, तो टोटल क्वेश्चन आपका 69 रेस किया गया है डिफरेंट आईडीज से, ठीक है। तो टोटल 281 लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है। कितने क्वेश्चंस को? 69 क्वेश्चंस को। और इसको आपका रिजॉल्व किया गया, उसमें से सिर्फ 11 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको उन्होंने रिजॉल्व किया है। मतलब इसके रिजॉल्व का मतलब क्या है, या तो उसका आंसर को चेंज किया गया है, या तो आपको क्या किया गया है, बोनस मार्क प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। कौन से शिफ्ट में थे वही बताता हूँ आप लोगों को। केमिस्ट्री बात करेंगे तो सिर्फ 6 ही ऐसे क्वेश्चन थे जिनको उन्होंने रिजॉल्व किया है। टोटल क्वेश्चन कितने थे? 39 थे। मैथमेटिक्स में 54 टोटल क्वेश्चन थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन को उन्होंने रिजॉल्व किया है। बायोलॉजी में आपके 11 क्वेश्चन थे जिनमें से उन्होंने सिर्फ 4 क्वेश्चन को रिजॉल्व किया है, ठीक है। ये रहा आपका एग्जाम डेट 6/8, शिफ्ट है आपका मॉर्निंग शिफ्ट। ये रहा आपका फिजिक्स का क्वेश्चन, जिसमें आपको आंसर के में चेंज किया गया है। और यहाँ पर आपको उसी शिफ्ट में आपका फिजिक्स का एक और क्वेश्चन है, जिसमें नन ऑफ द ऑप्शन करेक्ट, तो फुल मार्क्स आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 25 क्वेश्चन है जिनका उन्होंने आंसर को चेंज किया या फिर उस क्वेश्चन को बोनस मार्क दिया गया। ये आपका लिस्ट है 25 क्वेश्चन का, ठीक है। ये देखो 1 to 7 यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप अपने शिफ्ट को देख लीजिएगा, जिस शिफ्ट में आपका पेपर था वहाँ से आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ से आपका 8 से लेकर 25 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, जो आपके क्वेश्चन चेंज हुए थे। अगर आप बायोलॉजी वाले शिफ्ट की बात करो तो बायोलॉजी के सिर्फ 4 क्वेश्चन है और मैथमेटिक्स के आपके 4 क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स में अगर हम 5 तारीख 8 तारीख 11 तारीख को ये 4 क्वेश्चन थे जो आपके चेंज किए गए। केमिस्ट्री बात करोगे तो बस पीसीएम ग्रुप का बस एक ही क्वेश्चन है जिसको उन्होंने चेंज किया है, ये आपका 6 तारीख को था सेकंड शिफ्ट में। बाकी सारे क्वेश्चन आपके किसके हैं? फिजिक्स के हैं। और फिजिक्स में मेनली देखा जाए तो आपके शिफ्ट मतलब पीसीएम वाले जो ग्रुप है वही क्वेश्चन आपके या तो बोनस या तो उनका आंसर चेंज किया गया है। बस यहाँ पे 17 तारीख को बस एक ही पेपर है और ये आपका पीसीबी वाला पेपर था, ठीक है। तो ये आपका पूरा लेटेस्ट अपडेट है इसके ऊपर। चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरीके के वीडियोज़ जो रहेंगे वो मैं आपको लेकर आते रहूँगा टाइम टू टाइम, और आपको सीईटी के बारे में पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर देखो और डिटेल दिया गया है, यहाँ पर बताया गया कि इनके जो चीफ ऑपरेटर जो है उन्होंने इस सबको देखा है, चीफ मॉडरेटर जो है उन्होंने पूरा देखा है, और जो भी क्वेश्चन पब्लिक ने जो रेज की थी उनका उन्होंने रिजॉल्व करके बताया है कि ये क्वेश्चन सही कि आपका गलत है, ठीक है। रिजल्ट की बात करेंगे तो आपको पहले बता के रखा हूँ, 13-14 तारीख के आसपास में आपका रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। A to Z सारी अपडेट के लिए चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।